स्टूडेंट्स, अभी हम क्राफ्ट वर्क में एक अंडरवाटर सीन बनाएंगे जिसके पेपर की हेल्प से हम फिश बनाएंगे और ग्राउंड हमने ऑलरेडी ब्लू ले लिया है। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है कुछ कलर्ड पेपर्स, सीजर, फेविकोल, स्टेपलर, कुछ कलर्ड स्केच पेन। अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमने जिस कलर से भी हमें अपनी फिश बनानी है हम उस कलर को ले लेंगे। एक स्ट्रिप ऐसे हम कटिंग कर लेंगे, बहुत सिंपल है। उसके बाद इस स्ट्रिप को हमने फोल्ड करना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमें कितनी बड़ी फिश बनानी है उसके हिसाब से। हाँ, मैं आपका फाइन आर्ट्स टीचर सतवीर सिंह बोल रहा हूँ। अभी हमने इसको फोल्ड किया, जितनी बड़ी हमने फिश बनानी है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसको सिंपली कटिंग कर लिया। अब हमारे पास ये कटिंग करने के बाद अब हम इसको यहां से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे, नेल की हेल्प से इसको प्रेस करके इसको फोल्ड कर देंगे। अब ये हमारे पास एक छोटा सा फोल्डर बन गया है। अब हम इसको रख लेते हैं। अभी हमारा ये जो दूसरा पीस हमारे पास बचा हुआ है हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे हाफ, और इसको हम फिर इस डायरेक्शन में कटिंग करेंगे। जितना पीस हमें रिक्वायरमेंट है हम इसके बैक बनाने के लिए, बहुत सिंपल है। अब हम इसको इसके साथ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बहुत सिंपली पेस्ट कर देंगे। मैं पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको स्टेपल कर रहा हूँ। आपको पेस्ट करना है ग्लू की हेल्प से, क्राफ्ट ग्लू की हेल्प से या फेविकोल, जो भी आपके पास चीज अवेलेबल है। और इन पेपर्स के लिए कोई स्पेशल कलर की जरूरत नहीं है, आपके पास जो अवेलेबल है, जैसा पेपर अवेलेबल है, वेस्ट मटेरियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उससे करना है। अभी इतना करने के बाद ये हमारी थोड़ी थोड़ी फिश की शेप आ गई है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा एक साइड स्पेस ज्यादा रखेंगे, एक साइड कम रखेंगे, बहुत सिंपल ऐसे किया। अब हम इसको ट्रायंगली ऐसे कटिंग कर देंगे, हो जाएगा, वेरी गुड, बिल्कुल इजी है, आप करके देखिएगा। आप हम इसको 3D इफेक्ट देने के लिए थोड़ा सा इसको, अब ये हमारी फिश की शेप बन गई है बेसिकली। अब ये फिश की शेप बनने के बाद एक व्हाइट पेपर लेंगे और व्हाइट पेपर को हम ऐसे राउंड कटिंग करेंगे। कटिंग करने से अब हमारी ये आइस बन जाएगी, आइस का बेसिक पार्ट बन जाएगा। ये हमारा पेपर वाइट है और ये हमारी आइस भी वाइट है, अप्रोक्सीमेटली वाइट है, वाइट नहीं है। तो ये इसको हम थोड़ी सी आइस को ये आउटलाइन कर लेंगे, से हमारा कुछ पोर्शन ब्लैक हो जाएगा और ये अब हमारी आईज इस पे हमें क्लियर दिखाई देगी। ओके, अभी इसके अंदर का पार्ट हमें बनाना है, बहुत सिंपल है, ये देखिए अब हमारी आईज तैयार हो गई हैं। अब हमें ग्लू की हेल्प से ये थोड़े से ग्लू की हेल्प से, ये हमने ग्लू लिया ग्लू की हेल्प से, सॉरी यहाँ पे पेस्ट हो गया, ये हमारी आइस बन गई है। अब हम ब्लैक स्केच लेंगे और ब्लैक स्केच से हमारी फोम को क्लियर करेंगे। अभी हमारी फोम कुछ क्लियर नहीं लग रही है, तो कुछ ये डेकोरेट हो जाएगी, कुछ क्लियर हो जाएगी, ये हमारी फोम बन गई है। आप इनके पंख भी बना देते हैं जी, वेरी गुड, इजी है ना, आप बिल्कुल आराम से बना पाएंगे और मेरे से बेटर बना पाएंगे, इजी है।
अब हमने कुछ कलर्ड स्केच पेन लेने हैं और इसको थोड़ा सा डिजाइन करना है। छोटे छोटे आप ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर से छोटे बड़े सर्कल बना दीजिए। ये देखिए मैं बना रहा हूं। कलर चेंज कर लेते हैं। मेरे पास जो कलर शीट अवेलेबल है मैं उसी से बना रहा हूं। आपके पास जो अवेलेबल होगा आप उससे बनाएंगे। आप देखिए हमारी फिश रेडी हो गई है। अब हम इसको अपने शीट के ऊपर पेस्ट कर देंगे। जहां भी हमने प्लेस करना है इसको प्लेस करके हम कर देंगे। ऑलरेडी मैंने एक दो फिशेस और बना रखी हैं, जैसे ये है, जैसे ये है। ये हमारी फिशेस बन गई हैं। अब हमारा अंडरवाटर सीन तैयार है और बहुत ही इजी है। अब बैकग्राउंड को कैसे डेकोरेट करना है ये काम आपका है। आप इसको कैसे डेकोरेट करते हो, मैंने कुछ व्हाइट पीसेस कटिंग करके रखे हुए हैं। हम इनको बबल्स के रूप में यूज कर सकते हैं। अलग अलग स्पेस पे हम ये बबल्स को रख सकते हैं तो आपका थोड़ा सा डेकोरेट हो जाएगा। आपको मेरे से बेटर बनाना है और मेरे से बेटर डेकोरेट करना है। सिंपल था फ्रेंड्स। थैंक यू।